हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मेरे से इस छोटे से चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने जावा की ट्यूटोरियल सीरीज चालू की, जो मैंने लेक्चर लिया वो को था कंस्ट्रक्टर। मैंने पिछले लेक्चर में कंस्ट्रक्टर आपका कवर अप किया, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ जो जैसे मैंने टाइटल लिखा है कि स्टैटिक मेथड मतलब मेन मेथड स्टैटिक क्यों रहती है, उसका मैं आज आपको रीजन बताऊंगा। दोस्तों, मैंने इंटरनेट पे देखा है कि जावा के 1 घंटे के, 2 घंटे के या फिर 3 4 ऐसे 5 घंटे के वीडियोस है, जिसमें अलग अलग टीचर्स रहते हैं या फिर यूट्यूबर्स रहते हैं, उन्होंने बताया है कि जावा प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बताया। जो 180 आवर्स का रहता है जावा जावा प्रोग्राम, उन्होंने बहुत मतलब छोटे से छोटे वीडियो में कवर अप किया है, लेकिन जब उन्होंने बहुत डेडिकेशन दिया है, मैं इसे मानता हूँ कि बहुत कंटिन्यूअसली पढ़ाना और पूरा का पूरा जावा के टॉपिक कवर अप करना, ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट बात है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मतलब बहुत से यूट्यूबर ने अपने वीडियोज डाले हैं जिसमें उन्होंने जावा लैंग्वेज लर्न करने के बारे में बताया है, और वो भी 1 घंटे में 2 घंटे में, तो उन्होंने अपने तरीके से डेडिकेशन दिए है, उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने सिखाया है। लेकिन जब इतने कम समय में जब वो पूरा का पूरा जावा कवर अप करते हैं, मतलब पूरा का पूरा जावा कवर अप करते, तब बहुत से चीजें जैसे छोटी छोटी चीजें जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती है वो बता नहीं पाते, क्योंकि उनका प्राइमरी एम रहता है कि पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर अप करना। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब इंटरव्यूअर आपको दिखेगा कि आपको नॉलेज कितना है, आपको छोटी से छोटी चीज पता है कि नहीं, तो वो आपको छोटी सी चीज बताएगा, छोटी सी चीज पूछेगा। तब आप अगर प्रोग्रामिंग में आपको शायद प्रोग्रामिंग आता होगा लेकिन आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा, और मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा वो मैं आपको और मैं पूरे से पूरे अपना डेडिकेशन दूंगा इस वीडियो में कि आप जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो समझ सके। तो जैसे मैंने टाइटल लिखा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो मेन मेथड है वो स्टैटिक क्यों रहती है। ओके, तो पहले हम देखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जो लोग अक्सर प्रोग्रामिंग करते हैं और जो लोग जावा प्रोग्रामर्स हैं और जो बिगिनर जो प्रोग्रामर्स हैं, उनको तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये बहुत मतलब वो उसके आइडेंटिफाई हो गए, उनको पता होगा कि ये क्या है, ये कब यूज करते हैं। लेकिन जो बिगिनियर्स हो गए जिनको इसके बारे में पता नहीं कि मेन मेथड क्या रहती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं इनके लिए थोड़े मतलब ये थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ कि देखो दोस्तों, जब आप कोई भी जावा प्रोग्रामिंग करते हो, छोटा से छोटा जॉब आप जावा प्रोग्रामिंग करते हो, तो उसमें मेन मेथड, कोई भी जावा प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें मेन मेथड रहना इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब जावा का एग्जीक्यूशन उसके मेन मेथड से चालू होता है। जैसे आपको पता होगा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बराबर। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको पता होगा कि जब हम लिखते ऑब्जेक्ट, जब हम जावा में आप प्रोग्रामिंग लिखना चालू करते तो आपको क्लास लिखना पड़ता है। तो क्लास अगर आप कुछ लिखते हो, क्लास माय प्रोग्राम, तो आपको छोटे से छोटा प्रोग्राम करने पढ़ने करने के लिए आपको चीज लगे कि आपको एक आपको उस प्रोग्राम में एक मेन मेथड कम से कम मतलब एक ही मेन मेथड इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग पूरा करते हो और उसमें मेन मेथड इंक्लूड नहीं करते तो वो प्रोग्राम्स रन नहीं होंगे, वो एरर दिखाएगा कि आपने जावा में आपने मेन मेथड इंक्लूड नहीं किया या फिर आपका मेन मेथड फाइंड आउट नहीं हो रहा है, प्लीज ऐड मेन मेथड। तो क्या रहता है,
देखो जो मैंने इधर लिखा है वो अपने जो क्लास और माई प्रोग्राम, तो ये जो रहता है एम कैपिटल रहेगा, हाँ क्योंकि वो क्लास है। और क्लास में हमेशा जब क्लास का आप नाम लिखते हो, कोई भी ये क्लास का नाम है, तो हमेशा उसका पहला कीवर्ड ये कैपिटल रहना चाहिए। ओके, तो कोई भी क्लास रहे, कोई भी जावा प्रोग्रामिंग से, उसमें मेन मेथड का होना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जावा, जब जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब वो मेन मेथड से होता है। तो अभी तो अपना जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा वो मेन मेथड, ये मेन मेथड स्टैटिक क्यों रहती है। तो इसमें से पहले मैं आपको ये चारों चीज जो है मैं आपको लाइन वाइज लाइन बताऊंगा। ये देखो, ये एक लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ओके, ये कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है। ओके, तो मैं अभी आपको ये चारों चीजें स्टैटिक ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये चार चीज बताता हूँ, क्योंकि ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और वो जो पांचवी स्ट्रिंग वो बहुत इजी है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन ये जो है जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो जैसे मैंने आपको बताया मेन मेथड का रहना इम्पोर्टेंट रहता है जावा प्रोग्रामिंग में। अभी रहता है पब्लिक, तो ये पब्लिक है, ये एक्सेस मॉडिफायर। मैंने पिछले लेक्चर में एक्सेस मॉडिफायर, मतलब मैं अभी जो लेक्चर लेने वाला हूँ आगे, उसमें मैं एक्सेस मॉडिफायर कवर अप करने वाला हूँ। तो ये एक्सेस मॉडिफायर मतलब अगर आप कोई भी क्लास, उसको अगर क्लास के शुरुआत में अगर आप उसको पब्लिक लिखते हो, तो ये क्लास बनता है, ये क्लास पब्लिकली बनता है, ये क्लास एक्सेसिबल होता है पब्लिकली, पब्लिकली मतलब कोई भी अनदर क्लास उसको एक्सेस कर सकता है अगर आप इसको पब्लिक क्लास करते हो। अभी स्टैटिक तो हम देखेंगे स्टैटिक मतलब क्या। तो स्टैटिक हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर एक्चुअली उसी पे बनाया है, तो मैं ये लास्ट में लूंगा। वर्ड ये वर्ड जो है वो है रिटर्न टाइप। अगर आप जैसे आप इधर प्रोग्रामिंग करते वक्त लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, वैसे ही अगर आप कोई भी मेथड चालू करते, जैसे अगर आपका एडिशन होगा तो void लिखते हो, void addition, या फिर void subtraction, ये मेथड से, अलग अलग मेथड से, तो void के जगह पे आप यूज कर सकते हो int addition। लेकिन ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर हुआ आपका क्या है, वो है आपका void, void मतलब आपका return type है, return type। और रिटर्न टाइप और वॉइड में क्या है, तो जब आप वॉइड यूज करते हो तब आपको कोई भी चीज उसको रिटर्न करनी नहीं पड़ती, रिटर्न करनी नहीं पड़ती मतलब अगर अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक मेथड ली जो है एडिशन। ओके, हमने एडिशन ले और हमारे पास है दो इंटीजर्स, इंटीजर एम और इंटीजर टी, और ये ही मेन मेथड। तो जब हम प्रोग्रामिंग लिखते तो इंटीजर सी रहता है इज इक्वल टू t plus m, okay? तो ये फर्क रहता है कि रिटर्न टाइप जब आता है, जब void के दूसरे मतलब void के अलावा कोई रिटर्न टाइप आता है तो अब हमें ये वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है, किसको, प्रोग्रामिंग को, मेन मेथड को ये वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है। तो ये हमने वैल्यू रिटर्न की। अभी है स्टैटिक, आज की जो वीडियो लेक्चर है वो पूरी की पूरी स्टैटिक पे है, मतलब ये मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ 3-4 घंटे वीडियो नहीं लेना चाहता, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेन मेथड स्टैटिक क्यों रहती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर देखो नॉर्मली हम एक प्रोग्राम लिखते, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, मैं आपको एक शॉर्ट प्रोग्रामिंग बताऊंगा, क्लास माय प्रोग्राम, ये मेरा माय प्रोग्राम, ये मैंने एक क्लास लिया
और ये क्लास में अगर मैं लेता हूँ तो वहाँ पे मैंने एक सब क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास क्लास ऑफ प्रोग्राम देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और सॉरी यहाँ पे मैं एक मैं मेथड ऐड करता हूँ, तो void with void addition integer a integer b okay, तो integer c is equal to a plus b। यहाँ पे हमने कीवर्ड क्या यूज किया है, void, इसलिए हम इसको कुछ रिटर्न में रिटर्न नहीं करेंगे और ये अपना हम क्लोज कर देंगे। तो ये हुई मेथड। अभी बाद में हम एक, जैसे मैंने आपको बोला था, कोई भी आप प्रोग्राम करते हो तो आपको इसको मेन मेथड होना इम्पोर्टेंट होता है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये हुई उसकी मेन मेथड। तो मेन मेथड में मैं प्रिंट करूंगा, हाँ देखो अभी यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अभी इसके मैं मेन मेथड में क्या लिखूंगा, अगर मेन मेथड में मुझे कोई भी चीज, अगर मुझे कोई भी यहाँ पे वैल्यूज असाइन करने के, ये मेथड एक्सेस करने के जो माय प्रोग्राम में है, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए, ये क्लास में है इसलिए मुझे उसके लिए मुझे इस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो माय प्रोग्राम लिख के, जैसे ये में ये प्रोग्राम डालेंगे और उसमें आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो कुछ भी, या फिर ए रहेगा इज इक्वल, ए नहीं रहेगा क्योंकि आपने ये यहाँ पे यूज किया, तो लिखेगा एडिशन ऑब्जेक्ट, एड ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू माय प्रोग्राम। तो आपने यहाँ पे माय प्रोग्राम में एक अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बाद में आपने उस ऑब्जेक्ट को एड डॉट एडिशन और यहाँ पे आपने वन ने ये प्रोग्रामिंग लिखा। और सर दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको कुछ प्रिंट करने के लिए लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट एल एन, और हम इसको सी को प्रिंट करेंगे। तो हमने दोस्तों जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखो अगर आप जब ये प्रोग्राम आप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको आउटपुट मिलेगा 1+2 यानी कि 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको ये प्रोग्राम क्यों दिखाया, क्यों आपका इतना समय लिया, तो उसका रीजन है कि यहाँ पे एक मिनट तो यहाँ पे एक रीजन है, क्योंकि ये जो है, ये जो क्लास था वो था पब्लिक या फिर डिफॉल्ट, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट क्लास बनता है, तो ये डिफॉल्ट क्लास था। लेकिन तो अगर भी आप कोई भी क्लास रहेगा, अगर वो आप पब्लिक रहेगा या फिर कोई दूसरा क्लास रहेगा पब्लिक रहेगा, तो आपको उस क्लास को एक्सेस करने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तभी जब आप उस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी आप उस क्लास के जो मेथड्स रहेंगे या फिर वेरिएबल्स रहेंगे उसको आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप उस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो वो आपकी चीज़ है, जैसे आपका वेरिएबल रहेगा या फिर मेथड्स रहेंगे, वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये रहता है कि पब्लिक क्लास और स्टैटिक क्लास में। तो नॉर्मली यहाँ पे जब हम स्टैटिक, ये जब हम इंक्लूड करते कोई भी क्लास हम स्टैटिक इंक्लूड करते तो एग्जीक्यूशन पे टाइम, जब एग्जीक्यूट होता है तब हमको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ दोस्तों, जब हम
स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तब विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और यही इम्पोर्टेंट रहता है स्टैटिक का। तो मेन मेथड स्टैटिक क्यों होती है, क्योंकि विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट वो एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए वो मेथड स्टैटिक रहती है। जैसे ये यहाँ देखो, मेन मेथड में हमने दूसरे क्लासेस जैसे रहते हैं मेन ये वे वाला क्लासेस, हमने उसको एक्सेस किया, तो वो एक्सेस करने के लिए हमने उसमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे। अगर हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, आप डायरेक्टली एडिशन लिखोगे और एडिशन में आप डायरेक्टली डालोगे कोई भी वर्ड्स, जैसे दो पैरामीटर्स आप पास करोगे, तो आपका एरर आ जाएगा यहाँ, बिल्कुल भी उसमें आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये आपने एडिशन लिया। तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मेथड जो क्लास में है और वो उसको आपको एक्सेस करने का है मेन मेथड में, तो आपको पहले इस क्लास में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट को रिफर करके या फिर वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके आप उस मेथड को ट्रैक कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप मेन मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो, तब वो मेन मेथड विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट वो मेथड एग्जीक्यूट होती है, और इसीलिए मेन मेथड स्टैटिक होती है। तो दोस्तों आप समझें क्यों ये मेन मेथड स्टैटिक होती है, क्योंकि विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाए, इसीलिए मेन मेथड ये स्टैटिक होती है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, यही था आज का जो मैं आपको समझाने जाने वाले था, और धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपको, पता है मुझे भी लाइक्स, वीडियो की लाइक्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सच्ची में ये वीडियो आपको इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म किया, थोड़ा पर आपका इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन आपका बढ़ गया, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि ये भी वीडियो नॉर्मल है जैसे बाकी के बंदे करते हैं, तो चलेगा दोस्तों। थैंक यू एंड गुड बाय।